यार मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं कि ऋषभ ये फूड ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, तुमने कैसे स्टार्ट करी थी। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे मोस्टली जो फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं वो जरूर पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब कर रहे हैं लेकिन वो फूड ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं तो वो भी पूछते रहते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि आप फूड ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं 7 स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप एज अ फूड ब्लॉगर अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप है कि यू शुड बी अ फूडी। अगर आप एक फूडी नहीं हो तो आप फूड ब्लॉगिंग चैनल कभी मत स्टार्ट करो। मतलब एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए खाना खाने में। खाना ना बनाने में हो तो कोई दिक्कत नहीं कि चलो आपको बनाना नहीं आता है, लेकिन आप खाना आपको बहुत पसंद है तो आप जरूर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो फूड ब्लॉगिंग रिलेटेड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह फूड ब्लॉग बनाने जाते हैं और वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं कि आप फूड ब्लॉग नहीं शूट कर सकते हो। भीड़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है या आपका कॉन्फिडेंस उस दिन लो है या मूड ख़राब हो गया वहाँ जगह पहुँचकर, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे खाना खा लोगे। और एक और फायदा ये होता है कि अगर आप फूडी हो तो आप एटलीस्ट शहर में घूमते रहते हो। आप वीडियोस नहीं भी बना रहे हो तब भी आपके मन में खाना है, खाना खाने के ही ख्याल आते रहते हैं, या कोई भी नई जगह देख ली तो वहाँ जाके टेस्ट कर लिया, भले कैमरा नहीं है वीडियो नहीं बनाना है, तो एक फूडी आपको होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इक्विपमेंट्स। यार जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास कैमरा और शॉर्टगन माइक वगैरह नहीं थे। मैंने मोबाइल के ही साथ अपनी फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, फिर मैंने अपने मोबाइल के साथ एक माइक भी खरीदा, फिर माइक पे मैंने बोलना स्टार्ट किया और काफी एक साल तक मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ अपने मोबाइल और उस माइक से काम चलाया। तो आप शुरुआत एक मोबाइल और एक लेपल माइक के साथ कर सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है बीइंग प्रेजेंटेबल। मुझे लगता है कि जब आप कोई भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो तो आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जहाँ भी फूड ब्लॉग शूट करने जा रहे हो ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पर अकेले होगे, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनकर जाएं, थोड़े से अच्छे दिखें तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं तब फील करता हूँ जब मेरे बाल अच्छे से सेटअप हो। तो जब कभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा मेसी लगते हैं तो लोग कमेंट में कहने भी लगते हैं। और वैसे एक और चीज़ है कि मेरे बाल, आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना बहुत थोड़े घने हैं, अरे सब कैसे ऐसे बाल हैं, तो उसका भी एक राज है मैं आपको बताता हूँ। हर रात में मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मेरे इन बालों का राज क्या है। तो पहले वो देख लो, फिर हम चौथे पॉइंट पे मिलते हैं। तो यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो मेरे से ये सवाल करते रहते हैं कि ऋषभ बाल कैसे मैनेज करते हो और ये बाल इतने घने क्यों हैं। और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी मुझे कई बार बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ ये बाल ही हैं जो थोड़े सही हैं। कल के बाल चले गए तो मेरा थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगा शक्ल, क्योंकि इतनी खास नहीं है। तो सिर्फ बाल ही एक हैं जो थोड़े से नोटिस किए जाते हैं क्योंकि वो थोड़े से मेसी भी रहते हैं और थोड़े से घने रहते हैं इस वजह से। सो मैं बताता हूँ कि मेरे बालों का राज क्या है। एक तो मैं मतलब बचपन से ना बालों में तेल लगाता आया हूँ, है ना, हमेशा से। मेरी मम्मी जब मैं स्कूल जाता था तो वो ऑयल लगा देती थी जबकि मुझे कभी नहीं पसंद था, लेकिन उस चीज़ का एडवांटेज मुझे अब दिखता है। मैंने बीच में फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैंने ऑयल लगाना बंद कर दिया था और मैं उसकी जगह सिरम यूज़ करने लगा था, लेकिन मुझे फिर लगने लगा कि यार शायद मेरे बालों में वो ग्रोथ या वो क्या बोलते हैं शाइन नहीं दिख रही है जो ऑयल के बाद लगती थी। सो मैंने वापस से ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो मामाअर्थ ने भेजा है। मामाअर्थ ने अपना हेयर ऑयल भेजा है, सो मैं उसे यूज़ करने लगा हूँ और मैं दिखाता हूँ उसको भी और साथ साथ उसके कुछ एडवांटेजेस भी बताता हूँ। सो दिस इज़ द मामाअर्थ हेयर ऑयल और आपको हल्का सा ले लेना है। आप डायरेक्टली अपने स्काल्प पे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं वो स्काल्प पे डालने का रिस्क नहीं लूँगा। बस थोड़ी सी ड्रॉप्स लेनी है और डायरेक्टली अपने स्काल्प पर अप्लाई करना है। सो ये मैंने ले लिया है और जैसे मैं हेयर ऑयल लगाता था मैं तो इसे वैसे ही लगाता हूँ। मामाअर्थ के अनियन हेयर ऑयल के कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अनियन सीड ऑयल, रेडेंसिल, आलमंड ऑयल और भृंगराज ऑयल, ये चारों चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। साथ ही साथ कई सारे बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा और बालों में आपके स्ट्रेंथ और शाइन आएगी। साथ ही साथ आपके स्काल्प को नरिश करेगा एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये केमिकली टेस्टेड है, सो आपके हेयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसे थोड़ी देर के लिए लगाओ, मतलब कुछ घंटे के लिए लगा कर रखो, या फिर आप इसे रात में लगाओ और सुबह नहा लो। यार हेयर ऑयल लगाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हेयर ऑयल लगाओ और उसके कुछ घंटे बाद आप नहा लो जाकर, और या फिर आप रात में हेयर ऑयल लगाओ और फिर सुबह नहा लो। लेकिन बेस्ट
चीज़ ये कब है जब आप मामा अर्थ के हेयर ऑयल के साथ मामा अर्थ का शैम्पू और मामा अर्थ का कंडीशनर भी यूज़ करो, क्योंकि इसे एज अ कॉम्बो यूज़ करना इन तीनों प्रोडक्ट को आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके लिए भी मेरे पास एक बढ़िया सा डिस्काउंट कोड है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो ये डिस्काउंट जो है ये आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हो, मामा अर्थ की एप्लीकेशन पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप किसी और जगह से ऑर्डर करना चाहते हो किसी और प्लेटफॉर्म से, तो अमेजोन, नायका और पर्पल पे भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन ये डिस्काउंट यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ आप मामा अर्थ की एप्लीकेशन और मामा अर्थ की वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। 20% डिस्काउंट है, सो अगर आप ऑर्डर करते हो तो अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे भी बताना अगर आप ये प्रोडक्ट भी यूज़ करो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। 2 hours later तो ये जो मामा अर्थ का अनियन कंडीशनर है ना, इसकी एक खास बात है कि जब आप इसे अप्लाई करोगे शैम्पू लगाने के बाद, तो आपको कोकोनट की ना एक बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी, एक क्रीमी सी स्मेल आएगी, और वो यार मतलब वो आपका मूड थोड़ा सा बहुत बढ़िया कर देती है नहाते वक्त। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें 4 ingredients ऐसे हैं जिनकी वजह से यार स्मेल आती है आपको। पहला तो अनियन, दूसरा कोकोनट, तीसरा आलमंड ऑयल और चौथा है कोकोनट ट्राइग्लिसराइड। और इन चारों की वजह से ही वो स्मेल आपको बहुत अच्छी सी लगती है, और आपके बालों को भी काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, नरिश होते हैं बाल। तो ये सारे कुछ एडवांटेज हैं कंडीशनर यूज़ करने के। और इसके साथ साथ जो अनियन शैम्पू है उसके भी इंग्रेडिएंट बता देता हूँ कि इसमें भी पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है अनियन सीड ऑयल, दूसरा है डी पैंथेनॉल, और तीसरा है प्लांट केराटीन, और चौथा है विटामिन ई। सो यार ये जितने भी मतलब हमारे शैम्पू रहा, कंडीशनर रहा और अनियन हेयर ऑयल रहा, सभी नेचुरली मेड प्रोडक्ट हैं, किसी में भी कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, तो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, कहीं से भी हार्मफुल नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, लेकिन अभी कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो के साथ। सो फोर्थ पॉइंट है लोकेशंस पता करना। एक तो मतलब आप अगर आप फूडी हो तो आपको अपने शहर की बेस्ट लोकेशंस पता ही होंगी जहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलता है, लेकिन होता क्या है कि वो जगह वही होती है जहाँ हमारा आना जाना होता है। शहर में कई सारी ऐसी भी जगह होती है जहाँ हम कभी नहीं गए होते और वहाँ पे भी बहुत डिलीशियस स्ट्रीट फूड या फूड मिल रहा होता है। तो आपको एक लिस्ट बना के रखनी है जिसमें जो जो लोकेशन आपको पता लगती ही चल रही है वो आप नोट करते रहो। ऐसे क्या होता है कि आपने एक फूड ब्लॉग शूट किया तो आपको याद रहेगा कि अब मुझे दूसरी जगह कौन सी जाना है। सो अब बारी है कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप जब लोकेशन पर पहुंचते हो और वीडियो शूट करते हो, तो पहले इंटरव्यू लेना है कि पहले फूड कवर करना है कि पहले बी रोल्स लेने हैं, मतलब फूड के बनते हुए शॉट या जब फूड सर्व हो रहा है तो वो बी रोल्स में आ जाता है, ये कैसे प्रोसेस होता है? यार देखो मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि ये चीज़ें डिसाइडेड नहीं होती, क्योंकि स्ट्रीट फूड के केस में होता क्या है कि जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तब आपको पता चलता है कि अब आप कैसे काम करने वाले हो। कभी कभी आप किसी लोकेशन पर पहुँचते हो वहाँ पे ओनर ही नहीं होता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप इंटरव्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो आप फूड प्रिपरेशन एक इंट्रो देते हो कि मैं इस जगह पर आया हूँ, ये फलाना फलाना जगह है, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, फिर आप बताते हो कि यह फूड बन रहा है, मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया, तब तक फूड बनता है उसके शॉट्स लेते हो, फिर खाते हो और फिर वीडियो एंड हो जाता है। कभी कभी होता है कि वहाँ पर ओनर होते हैं तो हम पहले ओनर का पूरा इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर फूड के बी रोल लेते हैं, तो ये अलग प्रोसेस होता है। तो मेन क्या चीज़ है कि आप उस जगह पर पहुंचोगे, देखोगे कि क्या माहौल है। मान लो भीड़ बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है मैं बोल नहीं पाऊंगा, कॉन्शियस फील करूंगा, और शुरुआत में ऐसा लगता है कि आपको वीडियो शूट करते वक्त थोड़ा सा आप नर्वस होते हो, तो आप क्या करोगे कि आप जगह की पूरी वीडियो शूट करोगे, भले कुछ ना बोलो, खाना भी खाना खाते हुए आपने अपने शॉट ले लिया, फिर घर पर आके वॉइस ओवर दे दिया, एटलीस्ट कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, और भीड़ से देखकर आपका और भीड़ से आपका डर भी कम होगा। तो अगर शुरुआती दौर पर आप कोई फूड ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आप वॉइस ओवर से भी खेल सकते हो। सो 6th point है हमारा एडिट। बेसिकली आपने पूरा वीडियो शूट कर लिया, सब कुछ कर अब आप घर आ गए, अब आपको वीडियो एडिट करना है। तो देखो वीडियो की एडिटिंग मैं ऐसी बता सकता हूँ कि वीडियो एडिटिंग वही इंसान कर सकता है जिसके पास कॉमन सेंस है। ऐसा कहा जाता है जिसके पास कॉमन सेंस है वो अच्छा वीडियो एडिटर बन सकता है। तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप एक वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। बस मेरा एक ही टिप है कि वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि क्रिस्प होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज के बारे में ड्रैग किए जा रहे हो और कुछ एंड नहीं है, सिर्फ बोल रहे हो टाइम बढ़ाने के लिए। तो ऐसे वीडियोस ना लोग देखते नहीं, फॉरवर्ड कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो वीडियो को थोड़ा क्रिस्प और शॉर्ट रखना है, तो उससे क्या होता है कि एक जो ऑडियंस है वो बनी रहती है आपके वीडियो के एंड तक, और जब वो देखती है कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है तो एंड तक देखते हैं कि आखिर में क्या हो रहा है, वीडियो कहाँ खत्म हो रहा है। तो एक ये चीज का ध्यान रखना है कि वीडियो को एडिट शॉर्ट और क्रिस्प करना है और ज्यादा चीजों को ड्रैग नहीं करना है। सो ये जो मेरा लास्ट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो के बताने वाला हूँ, ये एक बोनस पॉइंट आप कह सकते हो जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जब आप एक फूड ब्लॉग शूट करके आते हो और उसे एडिट करके अपलोड कर देते हो,
तो फिर होता क्या है ना, उस वक्त अपलोड होते ही आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप होता है ना कि आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है कि अब मैं फूड ब्लॉग शूट करूँ, एक और वीडियो बनाऊ। तो कभी भी ना उस कॉन्फिडेंस को बह मत जाने दो कि आप वो कॉन्फिडेंस है लेकिन आज आप डिले कर रहे हो, कल भी डिले कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम है तो फूड ब्लॉग को जल्द से जल्द शूट करो, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो बनाते हो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। और जितना लंबा गैप हो जाता है, एक वीडियो आपने एक आज बनाई और एक वीडियो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 20 दिन बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है इतने गैप की वजह से। लेकिन अगर मान लो एक वीडियो आपने मंडे को बनाई और आप अगला वीडियो सोच रहे हो मैं वेंसडे को बनाऊं, तो वेंसडे को बना लो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा रहेगा। सो ये एक बोनस पॉइंट है, ये मेरे एक्सपीरियंस है जिससे मैंने ये चीज सीखी है, तो आप इसे भी इम्प्लाई कर सकते हो। सब टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ हो। और साथ ही साथ मामा से रिलेटेड 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट चीज़ें। पहली चीज़ ये कि इनका एक प्लान गुडनेस इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब भी आप इनकी वेबसाइट के थ्रू कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो मामा अर्थ आपकी तरफ से एक प्लांट करता है और उस प्लांट की जियो लोकेशन आपके ऑर्डर से अटैच कर देता है, सो दैट आप उस प्लांट को ट्रैक कर सकते हो, उसकी जियो लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ मामा अर्थ का एक गोल भी है कि ये 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का अपना एक लक्ष्य है जो ये पूरा करना चाह रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब कि जितना ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। यहाँ तक कि मामा अर्थ हर महीने 120 MT तक का प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। सो अगेन थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आराम करिए, ख्याल रखिए।